हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर वीडियो लेक्चर क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉइस्चर माइग्रेशन इन ग्रेन बिन। व्हेन वी हार्वेस्ट एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी टू इट्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ मॉइस्चर, सो देयर इज अ नीड टू ड्राई इट। तो हम क्या करते हैं, उसको एक सेफ मॉइस्चर लेवल तक लाते हैं, जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मॉइस्चर कंटेंट। उस मॉइस्चर कंटेंट पे ग्रेन जो है वो एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को गेन नहीं करता। ग्रेन बेसिकली क्या होता है, एक हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है कि वो यदि वाटर वेपर प्रेशर ग्रेन के अंदर का कम है तो वो एटमॉस्फेयर से एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है। तो हम कितने भी सेफ मॉइस्चर कंटेंट पे किसी भी ग्रेन को ला लें, पर फिर भी वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए हम ग्रेन को ऐसे खोले नहीं छोड़ सकते। तो देर इज़ अ नीड टू कंस्ट्रक्ट एनी स्टोरेज स्ट्रक्चर। अब हम स्टोरेज स्ट्रक्चर बना तो लेते हैं, पर उसके बाद भी वहाँ पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हमको लेके चलना होता है, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत सारे डिटीरियोरेशन हो सकते हैं ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर भी। तो हमें समय समय पे एरेशन करना होता है, हमें समय समय पे उस पर फ्यूमिगेशन करना होता है। फ्यूमिगेशन और एरेशन के लिए हम मैकेनिकल डिवाइस लगाते हैं, कुछ नेचुरल कन्वेक्शन प्रोसेस से भी होते हैं, हम वेंटिलेटर लगाते हैं। तो मॉइस्चर माइग्रेशन इन स्टोरेज बिन आज हम यहाँ देखेंगे, क्योंकि जो ग्रेन हमने सेफ मॉइस्चर लेवल तक लाके हमने स्टोर कर दिया, पर फिर भी बिकॉज ऑफ चेंजेस ऑफ सीजन एंड सीजन के साथ साथ उसका टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी और बहुत सारे वेदर फैक्टर हैं जो चेंज होते रहते हैं, उन चेंजेस के कारण हमारे ग्रेन का जो टेम्परेचर है वो भी चेंज होता है। तो क्या होता है, जब वेदर चेंज होगा उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होगी, वेदर कंडीशन चेंज होंगे, तो हमारे ग्रेन के अंदर का जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो ग्रेन है तो उस ग्रेन का भी टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट चेंज होते जाता है। तो क्या होता है, ग्रेन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो एज कंपेरिजन टू एटमोसफेयर के टेम्परेचर से या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। यदि कम हो जाएगा तो क्या चेंजेस आएंगे, और अगर ज़्यादा हो गया एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से, तो ग्रेन के अंदर या स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर हम कैसे चेंजेस देखने को मिलेंगे, आइए हम देखते हैं। दैट इज अवर ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये हमारा रूफ है, ये ग्रेन बॉल है, सॉरी स्टोरेज स्ट्रक्चर की वॉल है, ये सो जब हम किसी भी ग्रेन को उसकी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी पे हार्वेस्ट करते हैं और उसको हम सेफ स्टोरेज तक, सॉरी सेफ मॉइस्चर कंटेंट तक ड्राई करते हैं, और उसके बाद हम किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर में उसको स्टोर करते हैं, तो मॉइस्चर माइग्रेशन इन स्टोरेज ग्रेन रिजल्ट फ्रॉम टेम्परेचर चेंजेस। जो मॉइस्चर का माइग्रेशन है, जब उसके अंदर टेम्परेचर चेंज होगा तो मॉइस्चर क्या होगा, मॉइस्चर विल इवेपोरेट, और जब मॉइस्चर इवेपोरेट होगा तो या तो ये
ऊपर की ओर जाएगा, इसके टूवर्ड्स इसके रूफ की तरफ जाएगा, या तो फिर इसके बॉटम की तरफ जाएगा। ये डिपेंड करता है कि बाहर का टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू इनर कैसा है। तो मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इट्स स्टोरेज। हाई मॉइस्चर एंड अ वार्म क्लाइमेट प्रमोट मोल्ड ग्रोथ, इंसेक्ट ग्रोथ और इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ रेस्पिरेशन। और जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन किसी भी प्रोडक्ट की बढ़ती है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन हीट बढ़ती है, तो रेस्पिरेशन हीट बढ़ती है तो वहाँ का टेम्परेचर चेंज होता है या टेम्परेचर बढ़ता है। तो मॉइस्चर माइग्रेशन टेक प्लेस इन बिन एंड इवन दो द ग्रेन आर एट अ मॉइस्चर लेवल जनरली कंसिडर्ड सेफ फॉर स्टोरेज। हम ये मान के चलते हैं कि हमने ग्रेन का जो मॉइस्चर लेवल है हमने सेफ स्टोरेज मॉइस्चर लेवल तक लेके आ गए हैं उसे, मगर फिर भी जब हम इसको स्टोर करते हैं तो उसके अंदर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के कारण हीट ऑफ रेस्पिरेशन जनरेट होता है जिसके कारण यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन की। जब हम किसी भी ग्रेन को विंटर सीजन में हार्वेस्ट करके जब हम उसको किसी स्टोरेज स्ट्रक्चर में स्टोर करते हैं तो क्या होता है, जो ग्रेन का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर बिकॉज ऑफ कूल वेदर, बिकॉज ऑफ विंटर वेदर के कारण। तो वैन द विंटर सीजन ग्रेन आफ्टर हार्वेस्ट आर स्टोर्ड इन द फॉल ग्रेन्स बिकम वार्म, क्योंकि हमने जो हार्वेस्ट करते हैं हम उसको और जब हम स्टोर करते हैं तो ग्रेन जो है वो अपनी रेट ऑफ रेस्पिरेशन के कारण के रेस्पिरेशन जब उसमें होता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन हीट या हीट ऑफ रेस्पिरेशन। तो उसके कारण ग्रेन क्या होता है वार्म हो जाता है, और आउटसाइड टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है विंटर के कारण कूल होता है। तो ये वन हमने टू इसको दे देते हैं टू तो क्या होता है अंदर बाहर का टेम्परेचर कम है और इस टेम्परेचर के कारण इसकी वॉल जो इस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है इसका भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा कम हो जाता है। और इसके साथ जो ग्रेन है जो ये जो ग्रेन है ग्रेन का स्टोर करके हमने जो ग्रेन रखे तो ग्रेन की जो आउटर सरफेस है ये इसके कांटेक्ट में रहती है विन वॉल के, तो इस विन वॉल के कांटेक्ट में रहने के कारण ये जो ग्रेन की जो आउटर सरफेस है ये भी क्या हो जाती है कूल हो जाती है एज कंपेरिजन टू इनर पार्ट ऑफ द ग्रेन ग्रेन के। तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है कम, सॉरी यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ विंटर के कारण यहाँ जो लो टेम्परेचर क्रिएट होता है तो एक एयर करेंट, तो जो लो टेम्परेचर के कारण क्या होता है यहाँ की जो एयर जब कूल एयर जो होती है उसकी टेंडेंसी होती है दे डाउन द अर्थ और इनकी जो टेंडेंसी होती है ये इट गोज टू डाउन बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द एयर इज हायर देन द मास ऑफ द एयर ऑफ वार्मर। तो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है नीचे जाने की, और क्योंकि बिकॉज यहाँ पे जो ग्रेन
स्टोरेज स्ट्रक्चर का इनर पार्ट है उसमें ग्रेन का टेम्परेचर क्या हो जाता है ज्यादा, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है, जो इसके एयर जो कॉन्टेक्ट में आती है उसकी जो एयर का टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, तो ये इसकी टेंडेंसी, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर एयर की टेंडेंसी होती है इट गोज अप एंड इट गोज डाउन, तो एक एयर करंट हम देखने को मिलता है ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर के अंदर जो इस मैनर में होता है। और यहां पे भी सेम फिनोमेना, इसके हाफ में सेम फिनोमेना यहां भी वर्क होती है, क्योंकि यहां का टेम्परेचर, क्योंकि ये वॉल है और वॉल का डायरेक्ट कांटेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ है, और एटमॉस्फेयर जो विंटर सीजन में एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या होता है कम, तो इसके कांटेक्ट में जो भी वॉल होती है इसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा, और इस वॉल के कांटेक्ट में क्योंकि ग्रेन की जो आउटर सरफेस है इसका टेम्परेचर भी बिकॉज ऑफ कांटेक्ट ऑफ दिस वॉल इसका टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, तो कम होने के कारण टेम्परेचर जो एयर है इसके कांटेक्ट में जो एयर है उसकी टेंडेंसी क्या होगी डाउन जाने की टेंडेंसी होगी, और यहाँ का टेम्परेचर हाई है सेंटर पे ग्रेन के स्टोरेज स्ट्रक्चर के सेंटर पे, तो क्या होगा यहाँ पे जो एयर होगी ये ऊपर की तरफ आएगी, इट्स टेंडेंसी टू राइज अप, तो क्या होगा इसके हाफ में एक एयर करंट प्रोड्यूस होगा जो ऐसे चलेगा और इसके हाफ में एक एयर करंट प्रोड्यूस होगा जो ऐसे चलेगा। तो क्या होता है ये जो एयर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है ये अपने साथ मॉइस्चर को पिकअप कर लेती है, ग्रेन के अंदर जो मॉइस्चर है ये अपने साथ मॉइस्चर को क्या कर लेती है पिकअप कर लेती है, और ये अपने साथ मॉइस्चर को कहाँ लेके जाती है रूफ टुवर्ड्स द रूफ ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर, और यहाँ पे मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन होने लगता है, जब यहाँ पे मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है अपर पार्ट में जो ग्रेन है अपर पार्ट का जो ग्रेन है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जब यहाँ मॉइस्चर इसके रूफ में एक्यूमुलेट हो जाएगा तो ये अपर पार्ट ऑफ द ग्रेन है ये जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा या मॉइस्चर अटेंड करने लग जाएगा, जो ग्रेन है जो ये हाई मॉइस्चर कंटेंट वाला हो जाता है, तो इसके कारण क्या होता है जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है अपर पार्ट ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर तो यहाँ पे फंगस मोल्ड इंसेक्ट और डिफरेंट टाइप के डिटीरियोरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके कारण विंटर सीजन में जो मॉइस्चर का माइग्रेशन है वो कहाँ पे होता है टॉप ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो हम इसको दे देते हैं फोर्थ नंबर 1, 2 ये 3 ये 4, तो इसके पार्ट्स क्या हैं 1 क्या है कूल वेदर, 2 क्या है कूल ग्रेन, 3rd जो है थर्ड वाला क्या है वार्म ग्रेन, और 4th जो है ये क्या बोलेंगे इसको मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं स्पॉट ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेशन, स्पॉट ऑफ मॉइस्चर एक्यूमुलेशन,
डायग्राम आप बना के आइएगा वहाँ पे। तो ये तो हो गई हमने बात करें जब विंटर सीजन में मॉइस्चर का माइग्रेशन कैसे होता है। अब हम बात करते हैं विंटर सीजन में, ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेयर इज कूल द टेम्परेचर ऑफ ग्रेन इज लोअर्ड। जब हम ये तो उसके पहले वाला हमने देखे थे कब हार्वेस्ट किए थे हमने, विंटर के पहले। और जब विंटर स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग मतलब स्टार्टिंग विंटर के स्टार्ट में हमने ये देखा था कि ग्रेन में या किसी भी स्टोरेज स्ट्रक्चर में जो मॉइस्चर का एक्यूमुलेशन है वो टॉप पे होता है। अब हमने ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेयर इज कूल द टेम्परेचर ऑफ ग्रेन इज लोअर्ड व्हेन सच ग्रेन इज स्टोर्ड आफ्टर सम टाइम। अगर हम उस ग्रेन को कुछ समय तक स्टोर कर दें विंटर में तो क्या होगा कि उसके अंदर का जो टेम्परेचर है, जो इनर पार्ट ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा विंटर के कारण। क्यों? क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक उसको स्टोर करके रखे हुए, सीजन कौन सा था, विंटर सीजन में, तो उसके अंदर का जो इनर पार्ट ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर ये वाला, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम एज कंपेरिजन टू आउटर एटमॉस्फेयर। क्योंकि जब हम देखते हैं विंटर में एट द डे टाइम क्या होता है, स्पॉट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और जो सन रेज हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, मतलब स्पॉट का टेम्परेचर, ये किसी भी स्पॉट में हम टेम्परेचर मेजर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो डे टाइम में जो होता है विंटर की जो रेज है इस पे सीधी आती है इस ग्रेन विन वॉल पे, तो क्या होता है इसके कारण इस वॉल का जो टेम्परेचर है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है एज कंपेरिजन टू इनर पार्ट ऑफ द स्टोरेज स्ट्रक्चर। तो इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर तो हाई हो जाता है बहुत ज़्यादा, पर यहाँ अंदर वाला जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का टेम्परेचर एज कंपेरिजन टू आउटर ये ज़्यादा हो जाता है, सॉरी ये कम हो जाता है। तो क्या होता है जब हम विंटर सीजन में ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं तो इसका इनर पार्ट का टेम्परेचर कम हो जाता है एज कंपेरिजन टू आउटर, तो ये जो वॉल है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसके कांटेक्ट में जो आउटर सरफेस ऑफ द ग्रेन है इसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो एयर करंट, जो एयर इसके कॉन्टैक्ट में होती है आउटर सरफेस ऑफ द ग्रेन के, इसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, इट गोस या इट राइज अप, एंड इसके कंपेरिजन में इसका टेम्परेचर कम होता है, तो ये कहाँ पे जाता है, इसका जो डायरेक्शन है वो डाउन टू अर्थ, और हमें एक ऐसा एयर करंट फ्लो हुआ मिलता है। सेम यही फिनोमेना इसके वन हाफ में भी होती है, ये नीचे जाता है और ये ऊपर, क्योंकि स्पॉट टेम्परेचर विंटर में बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके साथ जो कांटेक्ट में है बिन वॉल उसका भी टेम्परेचर बढ़ता है, और उसके साथ जो कांटेक्ट में है आउटर ग्रेन सरफेस उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और उसका टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसके साथ जो कांटेक्ट में एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ता है, और उसकी टेंडेंसी हो जाती है कि वो ऊपर की तरफ
अराइज होती है तो क्या होता है, ये जो एयर करंट प्रोड्यूस हुई है इसके कारण ग्रेन का जो मॉइस्चर है ये एयर करंट पिकअप कर लेता है और इसको कहाँ ले जाके एक्यूमुलेट करता है, बॉटम ऑफ द ग्रेन स्टोरेज स्ट्रक्चर। और जब यहाँ बॉटम में मॉइस्चर एक्यूमुलेट होने लग जाता है तो इसके कांटेक्ट में, बॉटम के कांटेक्ट में जो भी ग्रेन होता है वो मॉइस्चर पिकअप करने लग जाता है या वो मॉइस्चर अटेंड करने लग जाता है। और जब मॉइस्चर अटेंड करने लग जाएगा तो यहाँ पे उसका मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा और मॉइस्चर लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू अटैक एनी फंगस, इंसेक्ट, मोल्ड ग्रोथ और अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो ये हमने देखा, जब हम ड्यूरिंग विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेयर इज कूल द टेम्परेचर ऑफ ग्रेन इज लोवर्ड, व्हेन सच ग्रेन इज स्टोर्ड आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ऑफ ग्रेन इन द ग्रेन टेम्परेचर ऑफ ग्रेन इनसाइड द स्टोरेज स्ट्रक्चर इज लोवर्ड। When such grain is stored after some time, the temperature of air in the grain along the surface is rise. The atmospheric temperature in spring and later on rises. As a result, air current moves down through the center of the bin to its bottom. फिर क्या होता है, एट दिस स्पॉट मॉइस्चर कंडेंस्ड ऑन द कोल्ड स्पॉट। तो यहां पे मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है, ये कोल्ड कोल्ड स्पॉट बन जाता है और इसके कारण ये ग्रेन कूल होके ग्रेन मॉइस्चर अटेंड कर लेता है। हम इसको फिर से कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, 1, 2, 3, ये 4, ये रूफ है, ये पूरा लेवल डायग्राम सब बना के आइएगा, ये वॉल है, बिन वॉल, तो फर्स्ट नंबर पे क्या है, फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखेंगे, आउटर वार्म टेम्परेचर, आउटर वार्म टेम्परेचर। सेकेंड नंबर पे हम क्या लिखेंगे, सेकेंड नंबर पे कूल ग्रेन, सॉरी सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे हम, हॉट ग्रेन। थर्ड नंबर पर हम लिखेंगे वेट ग्रेन। और फोर्थ नंबर पर क्या आ जाएगा, मॉइस्चर एक्यूमुलेशन स्पॉट। सो कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करने के पहले मैंने जैसे आपको बताया था, सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है एग्जाम में वो अच्छा हो। सबसे पहला क्या लिखना है हमको, इंट्रोडक्शन। अगर कोई डाटा है तो वो डाटा डालना है। दूसरे नंबर पे आएगा हमारा डेफिनेशन।
यदि हम क्वेश्चन को का रिप्रेजेंटेशन अच्छा करना है और हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर सेकंड डेफिनेशन, नंबर थर्ड हमें फिगर बनाना पड़ेगा, नंबर फोर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। नंबर फिफ्थ यदि हमारे पास कोई फॉर्मूला है या कोई डाटा है वो हमको डालना पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन हमने इतना आइडिया दे चुका है, हमने इतना पढ़ा है इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, आपको अच्छे से अब बनने लगा होगा, आपको आइडिया होगा कैसे इंट्रोडक्शन करना है, कैसे डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये तो हो रहा है मॉइस्चर माइग्रेशन, अब हम इसे मॉइस्चर माइग्रेशन ना हो हमारे स्टोरेज स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमको सेव करके भी चलना है ग्रेन को, स्टोर करना भी है लंबे समय तक, तो क्या करना है हमको, मॉइस्चर का माइग्रेशन ना हो तो देयर इज अ टर्म विच इज एरेशन। हमें एरेशन करना पड़ेगा और इस एरेशन के साथ में हम फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं। फ्यूमिगेशन इसलिए करते हैं ताकि जो फंगस है या इंसेक्ट है या मोल्ड है वो सारे के सारे क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो एरेशन हम एक अलग से एक लेक्चर देखेंगे एरेशन और फ्यूमिगेशन के ऊपर। हम सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि एरेशन क्या होता है। जो हमारा कोई भी स्टोरेज स्ट्रक्चर है तो ये स्टोरेज स्ट्रक्चर एरेशन कैसे होता है, हॉट एयर यहां से ये परफोरेटेड होते हैं और ये रोटेट करते रहता है, इसको बोलते हैं डक्ट। तो एयर करंट ऐसे इसके अंदर से पास होती है तो हमारा जो पूरा का पूरा मॉइस्चर जो जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ वेदर और टेम्परेचर, तो ये उस मॉइस्चर को अपने साथ में पिकअप करके वेंट आउट कर देता है यहाँ से, इसको हम बोलते हैं एरेशन। ये एक तो मैकेनिकल ये फोर्स्ड एरेशन भी होता है और नेचुरल एरेशन भी होता है। तो एरेशन क्या है थोड़ा सा हम इसको जानते हैं, उसके बाद फिर हम एक अलग पूरा का पूरा टॉपिक लेके एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे एरेशन और फ्यूमिगेशन पे। एरेशन इज द प्रोसेस ऑफ मूविंग एयर थ्रू स्टोर्ड ग्रेन एट लो फ्लो रेट्स टू मेंटेन और इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। एरेशन कैन प्रोवाइड थ्री इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इन द स्टोरेज ऑफ ग्रेन। इट कूल्स द ग्रेन, ये एरेशन सबसे पहले तो कूल करता है ग्रेन को, और जब ग्रेन कूल होता है तो क्या होता है, इंसेक्ट एक्टिविटी जो होती है वो स्लो डाउन हो जाती है। नंबर थर्ड, बाय कूलिंग द ग्रेन एरेशन प्रोलॉन्ग्स द इफेक्टिवनेस ऑफ पेस्टिसाइड। जो हम पेस्टिसाइड हम एरेशन के साथ जो फ्यूमिगेशन की बात किया था मैंने, जो फ्यूमिगेशन हम करते हैं उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है जब हम इसको एरेट करते हैं। इट कैन प्रोवाइड्स एन appreciable drying functions। ये aeration के थ्रू हम एक प्रकार का ग्रेन को ड्राई करते हैं, मतलब ग्रेन मॉइस्चर पिकअप नहीं कर पाते। थैंक यू स्टूडेंट्स।